गरियाबंद जिले के 800 की आबादी वाला गांव इस बार फिर चुनाव बहिष्कार करने के मूड में है। इतना ही नहीं, इस गांव में नेताओं के जाने पर भी ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने खुलकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दरअसल गरियाबंद जिले के अंतिम छोर ओडिशा सीमा से लगे देवभोग ब्लॉक के परेवा पाली गांव के ग्रामीण पिछले 15 सालों से मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब इससे बौखलाए लोगों ने गांव के बाहर पोस्टर लगा दिया है जिसमें नेताओं का प्रवेश निषेध लिखा गया है। नेताओं का प्रवेश इसलिए निषेध किया गया है, जो भी नेता वोट मांगने के लिए आते हैं आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जो कार्य है उस कार्य को उन लोग ध्यान नहीं देते, अपने स्वार्थ साधने के लिए ही वोट मांगने आते हैं। तो क्या टी से क्या मांगे हैं, कब से मांग कर रहे हैं? हम 2015 से माने डायरेक्ट नेता लोगों से 2015 से जुड़े हैं और 2008-09 से ना लोक सुराज, ग्राम सुराज, टोटल जितने भी हैं सब आवेदन ग्रामीणों ने दिया है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं। क्या मांगे? माने प्रधानमंत्री सड़क और उपभोक्ता भंडार, स्कूल जो अतिरिक्त कक्ष है, एक कक्ष में 50 माने विद्यार्थी है, और नहर की मरम्मत है, पुल पुलिया छोटी मोटी जो है वो भी नहीं हो पा रहा है। वही गांव में सुविधा के अभाव में पलायन की बात करते हुए इस ग्रामीण ने क्या कहा, सुनिए। हमारे गांव से 40 परिवार बाहर पलायन कर चुके हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं होने के वजह से, जैसे कि कोई डिलीवरी पेशेंट ले रहे हैं तो रास्ते में कीचड़ हो जाता है, बरसात में उस पेशेंट को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, और दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो जाने के लिए बहुत असुविधा हो जाता है। और हम शासन से बहुत बार 15 साल से मांग कर चुके हैं कि हमारे रोड घाट का सुविधा हो करके, लेकिन अभी तक की सुविधा ही नहीं हुआ। इधर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए युवाओं ने भी चुनाव बहिष्कार में सहयोग देने की बात कहते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। जी बिल्कुल, हम गांव के साथ हैं क्योंकि हमें गांव के में स्कूल की सुविधाएं नहीं है, रोड की सुविधाएं नहीं है, और हॉस्पिटल में जो कि बहुत जरूरी है हम बच्चों के लिए, बूढ़ा बूढ़ी सभी के लिए। तो महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है? बहुत सारी, प्रसव के टाइम और छोटे मोटे सर्दी खांसी के लिए उन्हें मेडिकल के लिए देवभोग जाना पड़ते हैं, बड़े बड़े या धर्मगढ़ उड़ीसा में वो ज़्यादा अच्छी सुविधा है, इसलिए वो सब ज़्यादा उड़ीसा जाते हैं। तो क्या युवा साथ हैं गांव के? बिल्कुल। क्या करेंगे आप? वोट नहीं देंगे जब तक उन्हें ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं। बता दें, नई मांगों को लेकर 2018 के चुनाव का भी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। तब नेताओं ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया था, लेकिन वादे खोखले निकले। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि समस्या अगर नहीं खत्म हुई तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि ग्रामीणों की ज्यादातर मांगों को मंजूरी मिल चुकी है, काम भी शुरू हो जाएगा। गरियाबंद से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।